हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, असूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में एक नया इशू जो है वो सामने आया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस इशू के बारे में बताने वाला हूँ और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी साथ में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपने चैनल के एक व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं जब भी मेरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में से किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करता हूँ तो डिलीट करने पर मुझे एक मैसेज आता है, एक एरर आता है, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करें? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये किस एप्लीकेशन का एरर है। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे इनबिल्ड एप्लीकेशन हमें कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके अंदर से जो कॉन्टैक्ट हमारा ऐप है, हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट नाम से स्पेशल असूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का एक ऐप है। एक्चुअल में वो गूगल की तरफ से एंड्रॉइड का एक ऐप है। तो दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट जितने भी हम सेव करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा असूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 जो है, इसके सारे कॉन्टैक्ट जो है वो ईमेल अकाउंट पे सेव होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट ऐप जो है वो मैनेज करता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम हमें उस कॉन्टैक्ट ऐप को लेकर आ रही है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करें? सबसे पहली बात तो यहाँ पर चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ही प्रैक्टिकली बता देता हूँ किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर ऑन करना है। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सर्च में कॉन्टैक्ट्स गूगल LLC नज़र आ रहा है, इसे टैप करके ऑन करना है। सबसे पहले तो इसे हमें अनइंस्टॉल करना है, ओके करना है। दोस्तों, यहाँ पर इसे जब हम अनइंस्टॉल करेंगे तो हमारे कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो डिलीट नहीं होने वाले हैं, इसे घबराना नहीं है। तो चलिए, यहाँ इसके बाद दोबारा इसे अपडेट करना है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो चलिए, कॉन्टैक्ट ऐप्स ये स्टेप हमारी होगी, अनइंस्टॉल करके हमें फ्रेश अपडेट जो आया है हमारा, तो वो अपडेट आप कर लीजिए। इन केस अगर आपका ऑलरेडी अपडेटेड है तो एक बार अनइंस्टॉल करके भी इसे आप दोबारा अपडेट आप कर लीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल के एप्लीकेशन की मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आना है ऐप्स और नोटिफिकेशंस में। उसके बाद यहां से सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स ऐप, जो हमारा इनबिल्ड ऐप है उसे हमें यहाँ से ओपन करना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है, तो चलिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स को ऑन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें आना है स्टोरेज में। उसके बाद आना है यहाँ पर क्लियर स्टोरेज में, ओके कर देना। देखिए, यहाँ पर इसके अंदर हमें एक मैसेज भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑल दिस ऐप्स डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल सेटिंग अकाउंट्स डेटाबेस इट इज़। दोस्तों, इसे घबराना नहीं है, इसे हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो डिलीट नहीं होने वाले हैं, तो इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम हमें आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली 99.99% चांसेस है कि ये अपडेट, ये जो आपका प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे लगे होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।